Friends, I hope you all are very well at your homes. Now students, in this video we will discuss some questions based on matrices. और आज जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स में, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, और ये इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन लेंथी भी है थोड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो ध्यान से एक एक स्टेप समझ लीजिएगा. इवन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तीन मैथड है. ठीक है, बट जो उसमें ईजी वाला है वो ईजी मैथड अपन इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए इज इक्वल टू दिस, 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, 0 - 10 अल्फा बाई 2, एंगल जो है वो अल्फा बाई 2 है, 10 अल्फा बाई 2 0, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आई यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हम इसको पहले से भी जानते हैं, और उसका जो ऑर्डर है वो भी 2 है. आई जो है यूनिट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी 2 है. Then show that I plus A is equals to I minus A into this matrix. मतलब आपको शो करना है LHS is equals to RHS, आपको लेके आना है. बात समझ में आ रही है? तो जो LHS पार्ट है वो तो बहुत आसान है, I plus A करना है ओनली. तो सबसे पहले LHS पार्ट हम इसको सॉल्व कर लें, LHS पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले. Now taking LHS solution हमारा स्टार्ट. सबसे पहले हमने LHS पार्ट लिया हुआ है. Taking LHS, क्या लिखा है LHS में? I plus A. तो I plus A. I यूनिट मैट्रिक्स लेनी है, 1 0 0 1. ठीक है, 2x2 ऑर्डर लेना है क्योंकि ऑर्डर कितना था इसका? 2 था. चलिए प्लस A. A मतलब दिस 0 - 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0. ठीक है भाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 0 = 1. तो मैं इसी के आगे सॉल्व कर देता हूं. तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास, ऐड करने के बाद 1 + 0 = 1, 0 - 10 अल्फा = - 10 अल्फा बाई 2, एंड 0 + दिस तो 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 0 = 1. बात समझ में आई? इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया. मतलब LHS पार्ट मेरे पास ये आएगा. अब RHS पार्ट की अगर बात करें तो RHS पार्ट में क्या लिखा हुआ है? I माइनस A. इसको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, I माइनस A बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. फिर कैलकुलेट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाली मैट्रिक्स से. तो अब यहां पे एक चीज सोचने वाली, हमारा जो LHS पार्ट है वो 10 की फॉर्म में है. LHS पार्ट जो हमने सॉल्व करा है ये 10 की फॉर्म में है, और जो RHS पार्ट है वो साइन और कॉस की फॉर्म में है. देन ऑब्वियसली कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि LHS में फॉर्म चल रही है 10 की और RHS में फॉर्म चलेगी साइन और कॉस की. तो आपने क्लास 11th के अंदर साइन 2a कॉस 2a के फॉर्मूले पढ़े हैं इन फॉर्म ऑफ 10. साइन 2a का फॉर्मूला होता है 10 की फॉर्म में, और कॉस 2a का भी फॉर्मूला होता है 10 की फॉर्म में. तो पहले फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं साइन में. देखिएगा ध्यान से, यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं. कॉस 2a का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, 1 - tan² a / 1 + tan² a. ये कॉस 2a का फॉर्मूला है इन फॉर्म ऑफ 10. इधर एंगल 2a है तो इधर एंगल क्या है? AA. तो इधर अगर मैं एंगल आधा करता हूं, मतलब इधर अगर मैं एंगल क्या कर दूं? A, तो इधर क्या हो जाएगा? A by 2, और इधर भी क्या हो जाएगा? A by 2. That means we have cos A in form of 10. Cos का फॉर्मूला 10 की फॉर्म में हमारे पास है. Now similarly sin भी है, तो sin 2a का फॉर्मूला भी पढ़ा था आपने. Sin 2a ये होता है 2 tan a / 1 + tan² a. ये sin 2a का फॉर्मूला था इन फॉर्म ऑफ 10. अगेन मैं यहां पर अगर एंगल आधा करता हूं, एंगल हाफ कर दें, तो इधर क्या करना पड़ेगा? a by 2, और इधर भी a by 2. दैट मींस वी हैव cos a = दिस एंड sin a = दिस. दैट मींस इन फॉर्म ऑफ 10. बात समझ में आई? तो जो RHS पार्ट के अंदर sin cos चल रहे हैं, इन साइन कॉस की जगह पर मैं क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगा? ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा. कॉस ए है तो कॉस अल्फा की जगह पर इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा,
और साइन अल्फा की जगह पर इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए कि थोड़ा सा लिखने में हमें आसानी हो जाए, अब मैं बार बार टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू लिखूंगा, इससे बेटर है कि हम इसको कुछ एज्यूम कर लें ताकि लिखने में हम थोड़ी आसानी हो जाए। तो हमने एज्यूम कर लिया यहां पर लेट टेन अल्फा बाई टू इज इक्वल्स टू टी, मैंने क्या एज्यूम कर लिया, टेन अल्फा बाई टू को मैंने टी एज्यूम कर लिया। तो LHS पार्ट जो था हमारा जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं, LHS पार्ट सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, ये वैल्यू मिली। अब मैंने tan alpha by 2 को क्या assume कर लिया, मैंने assume कर लिया t, then LHS part becomes this, तो जो LHS part है वो आपका कुछ आ जाएगा इस तरीके से, 1 minus tan alpha by 2 को assume किया हुआ है t, that means there is minus t, tan alpha by 2 again t and 1, बात समझ में आ गई। तो जो LHS part था वो ये बनके ready हो चुका है, क्लियर है अच्छे से। तो LHS में सॉल्व कर चुका हूं, LHS में ये चीज आई है। अब मैं RHS पार्ट सॉल्व करूंगा और RHS पार्ट सॉल्व करने के बाद एग्जैक्ट यही चीज आनी चाहिए। अगर हम RHS को सॉल्व करके ऐसा का ऐसा ले आए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, बात समझ में आई। तो इसको आप नोट कर लें क्योंकि ये पार्ट में रब करूंगा, क्वेश्चन लेंथी है, दो तीन बार में सॉल्व होगा, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। और LHS पार्ट हमारा है 1 माइनस टी टी एंड 1, ठीक है, देखते हैं इसका RHS पार्ट, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से। अब हम इसका RHS सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा LHS पार्ट क्या आया है, मैं इसको साइड में लिख रहा हूं ताकि याद रहे हमें कि लाना क्या है। LHS पार्ट है हमारा 1 माइनस टी टी एंड 1, ठीक है, ये LHS पार्ट ये लेके आना है, ठीक है। चलिए भाई अब देखते हैं इसका RHS पार्ट, नाउ टेकिंग RHS, RHS में क्या लिखा है, I माइनस ए, I माइनस ए, और इधर मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, क्लियर है यहां तक अच्छे से। चलिए भाई I, I की वैल्यू रखी अपने, दैट मींस यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, माइनस ए, ए क्या है हमारे पास 0, अब देखो माइनस टेन अल्फा बाई टू, और टेन अल्फा बाई टू को हमने एज्यूम किया था t, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस t, और इधर t और इधर 0, बात क्लियर है। तो ये हो गया I माइनस ए, ठीक है, अब इसको आप एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ठीक है, इसको सपोज मैं एक ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं क्योंकि i माइनस ए हो गया ना, तो i माइनस ए, अब ये मैट्रिक्स आएगी। अब देखिए cos अल्फा, cos अल्फा की जगह पे मैं यहां से फॉर्मूला रखूंगा ना, cos अल्फा की जगह पे यहां से फॉर्मूला रख देते हैं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू है, तो अल्फा की फॉर्म में क्या बनेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और टेन अल्फा बाई टू को मैंने t अज्यूम किया है, तो cos अल्फा की जगह पर क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह पर इससे फॉर्मूला बनेगा, दैट मींस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ साइन अल्फा अगेन, साइन अल्फा क्या बनेगा, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देन cos अल्फा, cos अल्फा हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बात समझ में आई, क्या कर दिया हमने, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है cos अल्फा का और sin अल्फा का, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ये जो फॉर्मूले इधर लिखे हैं ये फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए हैं, और यहां पर ये जो tan स्क्वायर a बाई टू है इसको हमने t अज्यूम किया था, हमने t माना था स्टार्टिंग में, tan अल्फा बाई टू को t अज्यूम किया था, अगर मैं यहां पर अल्फा करता हूं, इधर अल्फा करूंगा तो इधर भी अल्फा हो जाएगा ना, इधर भी अल्फा आ जाएगा और इधर भी अल्फा आ जाएगा, और फिर आप tan अल्फा बाई टू को t रखोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वही काम किया है, वही चीज है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व किया हमने, 1 माइनस 0 इज 1,
0 minus minus t, that means plus t, 0 minus t, that is minus t, 1 minus 0, that is 1, और इधर 1 minus t square upon 1 plus t square, minus 2t upon 1 plus t square, there is 2t upon 1 plus t square, and 1 minus t square upon 1 plus t square, बात समझ में आ गई, आई माइनस ए सॉल्व कर लिया, ये मैट्रिक्स एज इट इज है। अब मल्टीप्लाई करना होगा इस वाली मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में गलतियां होती हैं, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में वन पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भाई, पहले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वन पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला t इससे मल्टीप्लाई होगा, जब t को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, इधर t को इससे मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बात समझ में आई। इस रो को इस कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये वाली रो अगले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आएगा, दैट मींस माइनस 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले t को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जब t को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखिएगा ध्यान से, जब t मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा t माइनस t क्यूब, t माइनस t क्यूब हो जाएगा, तो मैं इधर सीधे लिख रहा हूं प्लस t माइनस t क्यूब अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, बात समझ में आ गई, इस t को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो पहली रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब सेकंड वाली रो को करेंगे, तो ये माइनस t इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखिएगा ध्यान से, जब आप माइनस t को मल्टीप्लाई करोगे इससे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो माइनस टी इससे मल्टीप्लाई होगा देन माइनस टी, और माइनस टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का टी क्यूब और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ टी क्यूब माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, इस माइनस टी को एक बार 1 से करेंगे, इस माइनस टी को माइनस टी स्क्वायर से करेंगे, तो माइनस टी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी क्यूब, तो टी क्यूब प्लस का हो गया और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का टी हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिला टी क्यूब माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इस माइनस टी को हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा ये, तो प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इस वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, देन माइनस टी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस टी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टी मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है भाई, इस माइनस टी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा, तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और गलती यहीं पे होती है, जब आप खुद से सॉल्व करेंगे ना इसको बिना देखे, तो कंफर्म तो नहीं बट फिर भी 90% आप यहीं पे गलती करेंगे, तो इसलिए बहुत धीरज के साथ स्लोली स्लोली आप उसको एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखते जाए, गलती नहीं होनी चाहिए यहां पर, ठीक है भाई। अब इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है, तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं उसको, देखिएगा अब ये सिंप्लीफाई होगा, ठीक है ना, ये कौन सा पार्ट चल रहा है, आरएचएस पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, चलिए इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एग्जैक्ट सेम आएगा, ठीक है, तो एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने पर सेम आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, इधर क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लिया हमने, इसका एलसीएम हो गया, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इधर भी एलसीएम सेम आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर,
तो इधर बचेगा माइनस टू टी प्लस टी माइनस टी क्यूब, ठीक है। ऊपर तो एग्जैक्ट आ जाएगा क्योंकि नीचे सेम है, इधर भी एलसीएम सेम आएगा वन प्लस टी स्क्वायर, तो इधर बचेगा हमारे पास टी क्यूब माइनस टी प्लस टू टी, ठीक है भाई। इधर भी एलसीएम सेम आएगा वन प्लस टी स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा हमारे पास टू टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई, सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा उसको, अब सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर अपने आप एलएचएस आएगा इसका, देखिएगा ध्यान से। अगली स्टेप में टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टू टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर माइनस करेंगे तो टी स्क्वायर बचेगा, यहां बचेगा वन प्लस टी स्क्वायर और अपॉन में भी कौन है वन प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए वन टाइम। इधर देखिए माइनस टू टी और प्लस का टी, तो माइनस का टी बचेगा और माइनस टी क्यूब भी है, अपॉन में वन प्लस टी स्क्वायर। इधर क्या बचा टू टी पॉजिटिव और टी नेगेटिव, तो टू टी में से टी जाएगा तो एक टी बचेगा पॉजिटिव का क्योंकि 2 प्लस का है 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ सिमिलरली 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर एंड प्लस 1। अब देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 बोले या 1 प्लस टी स्क्वायर बोले एक ही बात है, तो कट जाएगा दोनों, तो इधर भी कितना बचेगा 1, ठीक है भाई। नाउ अगली स्टेप, इधर बचा है 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से माइनस टी कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हमने माइनस टी कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा 1, इधर हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर चल रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ इधर भी कॉमन आ रहा है कौन टी, तो इधर से टी कॉमन निकालना तो इधर बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है भाई, और अपॉन में कौन है 1 प्लस टी स्क्वायर, अगेन ये दोनों कट जाएंगे बचेगा कौन टी बचेगा, इधर कौन बचा हुआ है 1। समझ आई, तो हमें क्या मिला फाइनली, हमें मिल गया 1 माइनस टी एंड 1। जरा गौर से देखो क्या एलएचएस यही था, क्या ये चीज एलएचएस थी, तो मैंने साइड में लिखा हुआ था, देखिए एलएचएस यही था एग्जैक्ट 1 माइनस टी और 1, और हमारा आरएचएस वही आ रहा है 1 माइनस टी और 1, मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ चुके हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसको घर पे 2-3 बार बिना देखे सॉल्व करिएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है इक्वल्स टू fx, यानी कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू दिस इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देन यू हैव टू शो दैट fx into fy is equals to fx plus y, आपकी NCERT का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगेन मुझे LHS और RHS इक्वल लेके आने हैं, पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं फिर RHS देखेंगे इसका। अब देखिए यहाँ पर fx लिखा हुआ है और fx गिवन है, fx गिवन है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, जब इधर x है तो सब जगह x लिखा है x x x x, अगर मैं इधर y लिखता हूँ fy तो यहां पर भी y हो जाएगा, इधर भी y y y, चारों जगह y आ जाएगा, तो f y क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन में जो f y है वो क्या बनेगा, वो बनेगा cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1, ये बनेगा कौन f y। अब जो LHS पार्ट है, LHS पार्ट क्या है देखिएगा भाई, LHS LHS में लिखा हुआ है fx into fy, तो fx into fy इसका मतलब पहले तो fx लिखेंगे that is cos x minus sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, ये तो हो गया fx into fy, तो fy क्या है as it is बस y हो जाएगा वहां पे, तो ये हो जाएगा cos y minus sin y 0 and there is sin y cos y 0 0 0 1, बस समझ नहीं, तो fx into fy इनको मल्टीप्लाई करना होगा,
तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, अगेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान से करना है। कॉस एक्स को कॉस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एक्स को कॉस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, कॉस एक्स कॉस वाई ऐसा मिलेगा। अपना दिमाग मत लगा देना सर ऐसा मिलेगा कॉस एक्स वाई, ये क्या कर दिया, ये गलत है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में। कॉस एक्स को कॉस वाई से मल्टीप्लाई करो, एंगल अलग अलग है दोनों का, ठीक है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भाई। तो कॉस एक्स को कॉस वाई से मल्टीप्लाई कर लिया, साइन एक्स जो है नेगेटिव का साइन वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई मिलेगा, देन जीरो मल्टीप्लाई होगा जीरो से तो जीरो, बस समझ आई। तो रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया गया, अब ये वाली रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो कॉस एक्स माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन वाई कॉस एक्स, या आप चाहें तो कॉस एक्स साइन वाई लिख लें आपकी मर्जी, माइनस साइन एक्स कॉस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कॉस वाई साइन एक्स, और जीरो मल्टीप्लाई होगा जीरो से देन प्लस जीरो, बात समझ में आ गई। तो ये वाली रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब ये वाली रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, तो कॉस एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, माइनस साइन एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, और जीरो को वन से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो कितना मिलेगा जीरो, तो मैं यहां पर सिंपल जीरो लिख रहा हूं, ठीक है, तीनों को ऐड करोगे जीरो मिलेगा उधर। चलिए भाई, तो फर्स्ट रो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, अब सेकंड रो पे आएंगे, सेकंड रो क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स को कॉस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स को साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स साइन वाई, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे देन जीरो, ठीक है भाई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब सेकंड पे चलेंगे, तो ये फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो साइन एक्स माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा आपको माइनस का साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा कॉस वाई से तो यहां मिलेगा आपको प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा प्लस जीरो, क्लियर अच्छे से। तो ये वाली रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, कॉस एक्स जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, जीरो वन से मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो अगेन जीरो, तो यहां पर फिर से आपको क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ये वाली रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो कॉस वाई से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, जीरो साइन वाई से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, वन जीरो से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, ठीक है भाई। अब ये वाली रो थर्ड सेकंड कॉलम के साथ जाएगी, जीरो साइन वाई से मल्टीप्लाई होगा जीरो, जीरो कॉस वाई से मल्टीप्लाई होगा जीरो, वन जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, ठीक है भाई। अब ये रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, जीरो जीरो से अगेन मल्टीप्लाई होगा देन फिर जीरो, वन वन से मल्टीप्लाई होगा देन वन, बात समझ में आई। तो हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, अब अगर आपकी क्लास 11th अच्छी है तो गौर से देखो ये फॉर्मूले बन गए कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी वगैरह के, तो देखते हैं किसका फॉर्मूला बना है, ठीक है, मैं ऊपर वाला पार्ट हटा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, ये वाला पार्ट यहां से मैं हटा देता हूं उसको, ठीक है, ये एलएचएस चल रहा है हमारा, इतना पार्ट चलिए। अब देखना भी ध्यान से, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, भाई प्लस जीरो का तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, ये उड़ गए सारे फॉर्मूले क्लास 11th के, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, देखिएगा ध्यान से, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी का, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का, एक आपने पढ़ा था कॉस ए प्लस बी का,
ठीक है, ऐसे चार फॉर्मूले पढ़े थे आपने इस टाइप से, साइन ए प्लस बी का है तो साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, कॉस ए प्लस बी ये होता है हमारे पास कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी इधर प्लस इधर यहाँ माइनस आएगा, साइन ए साइन बी, बात समझ में आ रही है। और अगर इधर मान लीजिए क्या होता, माइनस होता तो फिर वहां पे प्लस हो जाता। तो अब जरा यहाँ पर अपन फॉर्मूले देखें, फॉर्मूले क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग बनेगा हमारे पास, ठीक है, एलएचएस पार्ट चल रहा था, इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला बन गया कॉस एक्स प्लस वाई का, यहाँ पे आ जाइए भाई। अब इधर अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लू, आपको देखिए इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं, माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो इधर बीच में क्या हो जाएगा, प्लस, बीच में प्लस हो जाएगा ना, तो इधर क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट मीन्स साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना के देगा ही आपको, और एक माइनस आप कॉमन लोगे इसे, तो माइनस जब कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, क्लियर है अच्छे से। नाउ ये भी फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो इधर आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और अच्छा उधर जीरो भी है, जीरो रह गया, इधर जीरो भी है, बात समझ आ गई भाई। चलिए फॉर्मूला बन गया ये, इसको देखें ध्यान से, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सेम फॉर्मूला है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इसके इक्वल होगा कॉस ए प्लस बी के, तो यहां पर क्या मिला हमें, कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, देन जीरो, लास्ट में जीरो जीरो एंड वन, तो लास्ट में हमें मिला जीरो जीरो एंड वन, तो ये हमारा एलएचएस पार्ट आया है। अब जरा आरएचएस पार्ट देखें इसका, सुनिएगा भाई ध्यान से, इवन हमारा आंसर आ चुका है। अब आरएचएस पार्ट अगर देखते हैं तो आरएचएस पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस वाई, आरएचएस पार्ट गया था एफ एक्स प्लस वाई, तो आप एग्जैक्ट देखो ये जो चीज है ये एग्जैक्ट, अगर यहां पर मैं x की जगह पर x प्लस वाई रखता हूं तो इधर भी क्या रखूंगा x प्लस वाई, इधर भी क्या रखेंगे x प्लस वाई, इधर भी x प्लस वाई और इधर भी x प्लस वाई, इसका मतलब ही पूरा का पूरा किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया f x प्लस वाई के, बात समझ आ रही है, ये पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, f x प्लस वाई के। कैसे पता लगा, क्योंकि यहां पर x था तो सब जगह x आएगा, इधर y रखोगे तो सब जगह y आएगा, इधर x प्लस वाई रखोगे तो इधर भी x प्लस वाई, इधर भी x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, मतलब सेम एग्जैक्ट यही वाली मैट्रिक्स आ जाएगी ना, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू आरएचएस। तो ये कहानी खत्म हुई स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई होगी आपके आई थिंक। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है, आपको मैट्रिक्स दी हुई है ए दिस, पर आपसे बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है, ये कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, बट फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एफ ए, तो जब इधर एक्स है तो इधर दोनों जगह एक्स है, अगर मैं एफ ए निकालता हूं तो एफ ए क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, एफ ए इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इधर ए रखेंगे तो इधर भी ए और इधर भी ए रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आई थिंक बताया था ए स्क्वायर तो हम निकाल लेंगे और ए गिवन है हमारे पास मैट्रिक्स है माइनस वन, तो किसी मैट्रिक्स में वन जो है एक नंबर है, नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड होती है, मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होती है, तो मैंने आपको बताया था कि आप अपनी मर्जी से साथ में क्या लगा सकते हो, आई यूनिट मैट्रिक्स आप लगा सकते हैं, तो वन इंटू आई करोगे तो आई मिलेगा दोबारा से, ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे ए स्क्वायर, तो जब आप ए स्क्वायर निकालेंगे दैट मीन्स ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा जीरो वन वन टू, जीरो वन वन टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा जीरो प्लस वन, फिर जीरो प्लस टू, फिर ये हो जाएगा जीरो प्लस टू, और ये इसके साथ हो जाएगा वन प्लस फोर, मल्टीप्लाई करना तो आ गया होगा अब तक, ठीक है भाई, इसको हमने ऐड कर लिया, तो यहां से क्या मिलेगा वन टू टू फाइव, ठीक है, तो ये क्या मिला ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज रख देते हैं हम, तो एफ
a is equals to a square. A square की जगह पे 1, 2, 2, 5 plus a. A की जगह पर मैट्रिक्स 0, 1, 1, 2 minus i. 1 into i is i. ठीक है, तो यहाँ पर 1, 0, 0, 1. इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 1 plus 0 minus 1 तो 0. भाई 1 plus 1 0 करोगे तो 1 आएगा और माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा. 2 plus 1 3 3 minus 0 3 2 plus 1 3 2 plus 1 और 0 करेंगे तो 3 होगा. 5 plus 2 7 7 minus 1 7 minus 1 6. ये हमारा आंसर आ गया. आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. नाउ थैंक यू सो मच.